रामनवमी के उपलक्ष्य में आज जिले में जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई। अलग अलग जगहों पर भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। शोभा यात्रा में सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे के साथ गंगा यमुनी तहजीब का मिसाल उस समय देखने को मिला जहां मुसलमानों द्वारा राम भक्तों को शरबत वितरण किया गया और रामनवमी की शुभकामनाएं दी गई। इस शोभा यात्रा में सभी वर्ग एवं समुदाय के लोग शामिल होते हैं और विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आराधना करते हैं। शोभा यात्रा को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। शहर के हर चौक चौराहों प्रशासन की पूरी मुस्तैदी दिखी। रामनवमी की पूरी तैयारी कर ली गई है। ज्वाइंट ऑर्डर के हिसाब से सब पुलिस के साथ फोर्स लगाया गया है। मतलब जगह जगह पर जो संवेदनशील था चिन्हित करने वाली फोर्स लगाया गया और आगे पीछे बाइकर ग्रुप लगा करके भी जुलूस को कंट्रोल किया जा रहा है। मेरे अनुमंडल क्षेत्र में सदर नगर अनुमंडल क्षेत्र में करीब 18 जुलूस निकला हुआ है जो कि सभी अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्वक सबके साथ दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी पर नियुक्त है। ट्रैफिक प्रभारी भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मोबाइल है और जगह जगह पुलिस लगाकर ट्रैफिक को भी कंट्रोल किया जा रहा है। असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की विजय का प्रतीक है रामनवमी। भगवान श्री राम, मैया सीता और फिर पवन पुत्र हनुमान। आज हम लोग रामनवमी विजय दिवस के रूप में भी मनाते हैं और पूरा शहर, पूरा जिला एक तरीके से राममय, हनुमानमय, सीतामय है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ मतलब जैसे कि झंडे लगे पड़े हैं, लोग चूना पटाके, सभी लोग स्वागत की तैयारी, साफ सफाई और टावर चौक पे जिस तरीके से भक्तों ने जल की व्यवस्था और फिर सौहार्द का प्रतीक मुजफ्फरपुर शहर, आप खासियत देखेंगे इस्लामपुर में तीन तीन जगह मतलब शरबत, पानी, बिस्कुट, फल की व्यवस्था। तो हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर एक अनोखा शहर है आपसी प्रेम, सद्भाव, एकता, भाईचारे का। इसका प्रतीक अगर किसी को देखना है इस धरती पे, मुजफ्फरपुर की धरती पे आके नज़ारा देखें, इससे बढ़िया नज़ारा इस धरती पे कहीं नहीं। सर परिचय लगता है। संजय कुमार केजरीवाल, वार्ड सेवक, वार्ड 20, जिला शांति समिति का सदस्य हूँ। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।